नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सौंफ हर घर में होती है। इसकी मीठी खुशबू और स्वाद सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ और मिश्री मुंह में रखकर चबाने का अलग ही मजा है। इससे मुंह की बदबू तो जाती ही है, दांत भी साफ हो जाते हैं। सौंफ खाने के फायदे सिर्फ यही नहीं, छोटी सी यह सौंफ कितनी गुणकारी हो सकती है यह जानकर आश्चर्य होता है। हेल्थ के लिए इसे सस्ता, सुलभ और स्वादिष्ट नुस्खा शायद ही कोई होगा। सौंफ में औषधीय गुण होते हैं। यह वात, पित्त और कफ तीनों प्रकार के दोष मिटाती है। खाना खाने के बाद सौंफ खाने से खाना आसानी से पचता है। मुंह से बदबू व खाने की गंध मिटती है। सौंफ के तत्व पेट में पाचन के लिए जरूरी एंजाइम और रस का स्त्राव बढ़ाते हैं। सौंफ पेट और आंतों की जलन व सूजन आदि मिटाकर पोषक तत्वों का शोषण बढ़ाती है। भूख बंद हो तो सौंफ खाने से खुलकर लगने लगती है। यह कब्ज होने से बचाती है। सौंफ में एसिडिटी को मिटाने का गुण होता है। इसके उपयोग से कई प्रकार की एसिडिटी मिटाने वाली दवा बनाई जाती है। सौंफ में मौजूद स्पार्टिक एसिड नामक तत्व के कारण पेट की गैस को मिटाने में सौंफ अद्भुत काम करती है। खाना खाने के बाद नियमित आधा चम्मच सौंफ थोड़ी सी मिश्री के साथ चबाकर रस निगलने से सभी प्रकार के फायदे मिल जाते हैं। सौंफ का अर्क भी बनाया जाता है, जिसके उपयोग से छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग व्यक्ति तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सौंफ का अर्क आयुर्वेदिक दुकान पर मिल जाता है। बच्चों को अपच होने पर एक कप पानी में एक चम्मच सौंफ डालकर उबाल लें, ठंडा होने पर छान लें। यह पानी बार बार पिलाने से अपच मिट जाती है। इसे दूध में मिलाकर भी दे सकते हैं। यदि पेट फूलता हो तो रात को आधा कप पानी में एक चम्मच सौंफ भिगो दें, सुबह मसल कर छान लें। यह पानी दूध में मिलाकर बच्चों को पिलाने से पेट दर्द, पेट फूलना, पेट में गैस भरना आदि ठीक होते हैं। इसका उपयोग बड़े भी कर सकते हैं। सौंफ में मौजूद विटामिन सी, अमीनो एसिड, कोबाल्ट, मैग्नीशियम और फ्लेवोनॉइड्स आदि तत्व आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। सौंफ खाने से उम्र के साथ होने वाली आंखों की कमजोरी दूर रहती है। 60 साल की उम्र के बाद आंखों में मैक्यूला के खराब होने से दिखाई देना कम हो जाता है। सौंफ का नियमित उपयोग मैक्यूला को खराब होने से बचाता है। आंखों की रोशनी बनी रहती है। आंखों की जलन, आंखों की लाली और आंखों की थकान के लिए सौंफ के पत्ते का रस और सौंफ का पानी बहुत लाभदायक होता है। सौंफ को पीसकर पाउडर बना लें। यह पाउडर आधा चम्मच और आधा चम्मच पीसी हुई मिश्री मिलाकर दूध के साथ रात को सोते समय लें। नियमित कुछ समय इसे लेने से नेत्र ज्योति तीव्र होती है। 100 ग्राम सौंफ को कूटकर छिलका निकाल दें। जो बचे उतनी ही मात्रा में धनिया मिश्री मिला दें, 10 इलायची के दाने मिला दें। इन सब को मिलाकर बारीक पीस लें। इस पाउडर को सुबह शाम गुनगुने दूध के साथ लेने से आंखों की रोशनी तेज होती है। इस पाउडर को नियमित लेने से मोतियाबिंद का बढ़ना भी रुक जाता है। रात को सौंफ पानी में भिगोकर सुबह मसल कर व छान कर यह पानी पीने से आई फ्लू जल्दी ठीक होता है। सौंफ में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो कि शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह रक्त वाहिकाओं को लचीला बनाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर नियमित रहता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण डायबिटीज से ग्रस्त लोगों को अधिक परेशानी हो सकती है। सौंफ नियमित रूप से खाने से इस प्रकार के सभी समस्याओं से बचाव संभव है। सौंफ में पाए जाने वाले पोटेशियम से दिमाग को मिलने वाले ऑक्सीजन में बढ़ोतरी होती है। इससे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी सही रहता है। इस वजह से सौंफ का नित्य उपयोग दिमाग की कार्यविधि बढ़ाकर स्मरण शक्ति बढ़ाने और दिमाग को सक्रिय रखने में मदद करता है। सौंफ में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स एस्ट्रोजन नामक हार्मोन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसकी वजह से स्तन में नए उत्तक और तंतुओं का निर्माण बढ़ जाता है, जिससे स्तन का आकार बढ़ता है और स्तन पुष्ट और सुडौल होते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया रात को भिगो दें, सुबह मसल कर छान लें। इसमें मिश्री मिलाकर पिएं। कुछ दिन रोजाना पीने से हाथ पैरों की जलन में आराम मिलता है। गर्मी के मौसम में पी जाने वाली ठंडाई में सौंफ एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह ठंडाई पेट की जलन, हाथ पैरों की जलन, आंखों की जलन,
चक्कर आना आदि परेशानियों को मिटाकर शरीर और दिमाग में तरावट लाती है। सौंफ पेशाब की जलन में भी लाभदायक सिद्ध होती है। इससे पेशाब खुलकर आने लगता है और विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिससे हाथ पैरों की जकड़न व सूजन आदि दूर होती है। यह यूरिन इन्फेक्शन में भी लाभदायक होती है। इसके अलावा सौंफ में पाए जाने वाले कुछ अमीनो एसिड पाचन तंत्र को ठीक करने और इसे सही तरीके से काम करने में मददगार होते हैं। इस तरह सौंफ के उपयोग से पेचिश, आंव और दस्त में बहुत फायदेमंद होती है। 50 ग्राम सौंफ तवे पर भून लें। इसमें 50 ग्राम बिना भुनी सौंफ और 100 ग्राम मिश्री मिलाकर तीनों को एक साथ अच्छी तरह पीस लें। इसमें से 2-2 चम्मच दिन में 3 बार पानी के साथ फांकी लेने से आंव वाले दस्त, मरोड़, एमोबाइसिस आदि ठीक होते हैं। खाने में दही और चावल लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हैं सौंफ के आयुर्वेदिक फायदे। मुझे पूरी आशा है दोस्तों कि आपके जानकारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।